खड़गे जी की चुप्पी मेरे कानों में गूंज रही है, वो लीडर ऑफ अपोजिशन है, कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, सबको पता है क्या कुछ हो रहा है। मिमिक्री यहाँ पर हो गई आउटसाइड, सदन के बाहर हो गई, आउटसाइड द हाउस, तो उसके बारे में सदन में एक रेजोल्यूशन पास करना, कंडेम करना, ये कहाँ का है? जगदीप धनखड़ की कितनी बेइज्जती करो मुझे कोई चिंता नहीं है, भारत के उपराष्ट्रपति की, किसान समाज की, मेरे वर्ग की। हर आदमी अगर अपनी अपनी जाति के लिए किसी विषय पे अगर बोलते हैं तो मेरे जाति को इफेक्ट हुआ, तो मेरे जाति को तो हमेशा इफेक्ट होता है, मुझे तो बोलने नहीं दिया जाता है, मैं जो सवाल उठाता हूँ उसको उत्तर नहीं मिलता। नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड दिग्विजय सिंह जी, आप अनुभवी नेता हैं, आपने लंबे, मेरी बात तो सुन, आप मेरी बात भी नहीं सुनना चाहते, नहीं मेरी बात, मेरी पीड़ा नहीं सुनना चाहते। आप कहते हो 138 साल पुरानी पार्टी हो, क्या हुआ है? आपको सब पता है, आपकी चुप्पी मेरे कानों में गूंज रही है, खड़गे जी की चुप्पी मेरे कानों में गूंज रही है, वो लीडर ऑफ अपोजिशन है, कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, सबको पता है क्या कुछ हो रहा है। आपको आपको अंदाजा होना चाहिए कि यदि अगर कोई व्यक्ति वीडियोग्राफी कर आनंद लेता है, एम्पलीफाई करता है, ये संस्कार है क्या अपने? यहां तक इस तरह आ गया क्या सर? मैं ये है दिग्विजय सिंह जी, मेरी बात सुन लीजिए, जगदीप धनखड़ की कितनी बेइज्जती करो मुझे कोई चिंता नहीं है, भारत के उपराष्ट्रपति की, किसान समाज की, मेरे वर्ग की, मैं पूरी आहुति दे दूंगा हवन में, मैं खुद की परवाह नहीं करता, मेरी बेइज्जती कोई करता है मैं सहन करता हूं, खून की घूंट पीता हूं, पर मैं ये बर्दाश्त कभी नहीं करूंगा कि मेरे पद की गरिमा मैं सुरक्षित नहीं रख पाया। इस सदन की गरिमा को सुरक्षित रखना मेरा काम है, इस पद की गरिमा रखना मेरा काम है, आप अंदाजा नहीं लगा सकते क्या हुआ है? कि हर आदमी अगर अपनी अपनी जाति के लिए किसी विषय पे अगर बोलते हैं तो मेरे जाति को इफेक्ट हुआ, तो मेरे जाति को तो हमेशा इफेक्ट होता है, मुझे तो बोलने नहीं दिया जाता है, मैं जो सवाल उठाता हूँ उसको उत्तर नहीं मिलता। और आज देखिए, हम जो कोई बोलने के लिए ठहरे कि चिदंबरम साहब थे हमारे, शिवा थे और करीम साहब थे, वाइको साहब थे, सभी थे, टीएमसी सभी थे, वो बात करने के लिए तो उठे, तो जितने मेंबर्स उनके हैं राज्यसभा के वो पूरे उठ के खड़े हो गए, स्लोगन शाउटिंग। ये कहीं है रूलिंग पार्टी खुद 10 लोगों के लिए अगर 200 लोग खड़े होते हैं तो ये एक मजाक है डेमोक्रेसी का, और डेमोक्रेसी को खत्म करने के लिए ऐसे जो प्रेसिडेंट्स वो क्रिएट कर रहे हैं। और दूसरी बात, जो मिमिक्री यहाँ पर हो गई आउटसाइड, ये सबने देखा होगा, ये आपको भी मालूम, जो घटना सदन के बाहर हो गई आउटसाइड द हाउस, तो उसके बारे में सदन में एक रेजोल्यूशन पास करना, कंडेम करना, ये कहाँ का है? और वो भी ठहरे, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ठहरते हैं और 100-150 राज्यसभा के मेंबर उनके पीछे ठहरते हैं, वहां स्टेटमेंट करते हैं, और हाउस के अंदर हमारे चेयरमैन साहब उनको भी परमिशन देते हैं, और हम सच्चाई बोलने के लिए हमको परमिशन नहीं मिल रहा।
अपमानित नहीं करना चाहते हैं, करने का हमारा इरादा भी नहीं, वो हमारे कैरेक्टर में भी नहीं है।